गुड मॉर्निंग, सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो मॉर्निंग हो गई है और सुबह बहुत अच्छी है, मौसम बहुत अच्छा है और मैंने देखिए अभी बेडशीट निकाल रखी है मैंने, मुझे बेडशीट बिछानी है। मैं पी रही हूँ चाय, मिल्क टी, बिकॉज नानी के लिए बनाया था, नानी है, नानी के लिए टी बनाई थी तो बस बच गई थी, तो मैंने सोचा चलो एक कप पी लेते हैं यार आज। कल फास्ट था, कल भी मैंने चाय पी और आज भी मैं पी रही हूँ। सो बस नानी को दिया है चीला खाने के लिए, बेसन का चीला बनाया था और आज मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि आज इतना ज़्यादा हौचपच हो गया, पता नहीं क्यों। आज पता है ना क्या हुआ, मॉर्निंग में मोनिश्का की ना यूनिफॉर्म ही नहीं मिल रही थी। सो यूनिफॉर्म मतलब मैं दो यूनिफॉर्म है और वो दोनों हमेशा मतलब एक हमेशा अवेलेबल रहती है अलमीरा में, बट आज जो धुली हुई थी ना वो मिली नहीं थी, मुझे आयरन करना था और पराठा भी सेक, मतलब आज मैंने पराठा और सब्जी दिया था, आलू की भुर्जी बना कर दी थी और पराठा बना के दिया था क्योंकि आज पराठा डे था। सो मैंने सोचा कि जल्दी से करके फिर एक पराठा बना लूंगी, वो यूनिफॉर्म ही नहीं, इतना हचपच हो गया तो उसके लिए थोड़ा लेट हो गया, तो आज मैं मॉर्निंग का कुछ भी नहीं शूट कर पाई। इनके लिए भी चीला बनाया था, इनकी टाइमिंग थोड़ी चेंज हो गई है, तो ये पहले 7 बजे जाते थे अब ये 7:30 बजे जाते हैं, तो बस टाइमिंग थोड़ी चेंज हुई, तो इनको भी एक चीला बना के दिया था। अभी नानी को चीला बना के दिया है क्योंकि नानी को भी चीला ही खा, मैंने ऑप्शन में रखा था पराठा भी खा सकती हैं सब्जी के साथ बट नहीं पराठा नहीं खाना था उन्हें, तो उन्होंने चाय चीला खा रही हैं, मतलब चीला चटनी सॉस एंड चाय। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। सोफे पे बैठ के खा रही हैं आराम से। तो अम्मा चली गई हैं, अम्मा अभी गई हैं 2 दिन के लिए, वो आ जाएंगी, ब्लर 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 वाई ब्लर। तो अम्मा 2 दिन के लिए बनारस गई हैं, वो आ जाएंगी 2-3 दिन में और आज ये जाने वाले हैं कोटा डॉगी के, 2-3 की आवाज़ आ रही है नीचे, एक दो लोगों के यहाँ मतलब कई लोगों के यहाँ डॉगी, कई लोगों ने डॉगी पाल रखा है। चाय हो गई फिनिश, अब बस अभी मुझे दूध लेने जाना, कल रात में मैं दूध नहीं लेने जा पाई थी बिकॉज मैं रात में चली गई थी अपनी मेडिसिन लेने, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था बैक पेन, तो मेडिसिन लेने चली गई थी होम्योपैथिक से, थोड़ा बहुत अच्छा खासा रिलैक्स था, वो खत्म हो गई थी 3-4 दिन पहले तो फिर से पेन शुरू हो गया था, तो मैं फिर से वही दवा लेने रात में चली गई थी, इसकी वजह से कल रात में मैंने क्या नहीं किया, कुछ बता रही थी भूल गई, शॉर्ट टर्म मेमोरी हो गई क्या, रात में क्या नहीं की पता नहीं क्या बता रही थी, ठीक है रात में वो नहीं किया पता नहीं क्या बताने जा रही थी, ओके एनीवे छोड़िए जो भी बताने जा रही थी। सो बस चलिए चलते हैं, अपना जो है वो कपड़े वपड़े डाल रखे थे उसको वॉश करते हैं, उसके बाद बेडशीट लगाते हैं, ये बेडशीट लगाते हैं एंड उसके बाद नहाते हैं, फिर बस फिर आपसे मिलते हैं ओके। और अभी मैं मिल्क वगैरह लूँगी, तो बस टन, मिलते थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग, तो मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा सा, मैं ऐसी गैस साफ करने लगी थी तो मुझे थोड़ा गंदा लग रहा था क्योंकि मेड जो है अच्छे से साफ नहीं करती हैं, तो मैंने सोचा चलो ठीक है आज खुद से जो है किचन की बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर देते हैं, तो बस मैं गैस और ये बैकग्राउंड का जो सेल्फ है वो सारे ही अच्छे से क्लीन कर रही हूँ एंड, तो फिर मैंने सोचा पूरा सेल्फ क्यों ना कर दिया जाए, पहले तो मैं थोड़ा सा ही कर रही थी तो बस ये लगा कि चलो ठीक है नहीं आज पूरा अच्छी तरीके से कर देते हैं, तो मैंने अच्छे तरीके से पूरा टाइल्स वाइल्स जो प्लेटफॉर्म के सामने जो टाइल्स होता है ना वो सारा बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया, सारा सामान हटा के, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मैंने सारा सामान हटा के सारा बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया और जो गैस के ऊपर जो क्या बोलते हैं बर्नी के ऊपर जो है बर्नर के ऊपर जो स्टैंड होता है वो भी मैंने अच्छे से वॉश करके रख दिया। अब यहाँ पे मैं बर्तन लगाने जा रही हूँ क्योंकि गैस वगैरह साफ हो गई तो वो वाला एरिया भी क्लीन करना था, तो अब सारे बर्तन को हटा के सारे जगह पे लगा दूंगी और ये जिधर हमने मैंने फूड प्रोसेसर रखा था उधर का एरिया क्लीन कर रही हूँ, जो तार लटका हुआ है ना अभी मैं इसको भी ऊपर करके चिपका दूंगी अच्छे से टेप की हेल्प से, तो वो अच्छे से वो भी जो है सेपरेट हो जाएगा। सुबह सारे टाइल्स ये मेरा प्लेटफॉर्म है जो कि मैंने फाइनली बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया और आपको यहाँ पे सामने रोशनी भी दिख रही होगी जिसकी वजह से मतलब जो साफ हो गया है क्लीन हो गया इस वजह से ये रोशनी दिख रही है, तो मेरा प्लेटफॉर्म बिल्कुल क्लीन कर दिया है मैंने, यहाँ पे जो भी छोटी छोटी चीजें थी उसको हटा दिया है, इसका पेपर चेंज कर दिया है और मुझे वैसे यहाँ पे लगाना है माइक्रोवेव का कवर, मैं मंगाऊंगी जैसा कि मैंने फूड प्रोसेसर का मंगाया था वैसा ही कवर मंगवा के मैं इस पर भी लगा दूँ ताकि ये जो गंदा हो जाता है ना वो नहीं होगा, और इसका प्लग जो है ये प्लग तो ठीक हो गया है बट ये जो है थोड़ा बड़ा है इसके हिसाब का ये नहीं है, तो ये हमेशा लगा के नहीं रख सकते हैं, अगर इसको लगाते हैं तो ये ऑन हो जाता है। सो दैट्स इट, और मेरा जो गैस है वो पूरा पूरा क्लीन हो गया है तरीके से, आप पूरा प्लेटफॉर्म देख सकते हैं पूरा शाइन करने लगा, और ये चिमनी भी मैंने कराई थी सर्विसिंग तो ये भी बिल्कुल क्लीन है, और अभी मेरा ये वाला एरिया बचा हुआ है क्लीन करने के लिए और ये वाला एरिया भी थोड़ा सा बचा हुआ है क्लीन करने के लिए, बाकी सब क्लीन कर दिया है और बाकी जो चीज़ें हैं वो रख कर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये नानी खड़ी हैं।
सो फ्रेंड्स, फाइनली मेरी जो रसोई है वो रेडी हो गई है. ये देखिए, मतलब ऐसा कुछ खास नहीं है, बस मैंने थोड़ा सा क्लीन किया था इसलिए आपके साथ शेयर कर दिया. वो रूहअफ़ज़ा की बोतल इसलिए इस तरीके से इसलिए दिख रही है क्योंकि उसको फ्रिज में रख के मैं चली, मतलब मैंने नहीं रखा था, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, वो फ्रिज में रख गई थी कुछ महीनों के लिए, इस वजह से वो जम गया. तो मैंने उसको बाहर रखा है, बट फिर भी उसका टेक्सचर जो है सेम टू सेम है, अभी तक सही नहीं हुआ है. यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक पानी वानी का दाग पड़, क्योंकि हमेशा यहाँ पे बर्तन रखे होते हैं, सिंक में धुल के रखे जाते हैं, तो हमेशा यहाँ रखे होते हैं. और ये स्टैंड एक है, अभी मुझे यहाँ पे एक ये क्या बोलते हैं चकले और बेलन के लिए एक स्टैंड लगाना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज करूंगी. मेरी जो गैस है वो आप देख सकते हो एकदम अच्छे से क्लीन हो गई है. थोड़ा सा यार बच जाता है क्योंकि अब फिलहाल अभी टाइम भी नहीं है बहुत ज्यादा. और ये मैंने दो बॉटल अमेजोन से मंगवाई थी ऑयल के लिए, एक मस्टर्ड ऑयल के लिए, एक रिफाइंड ऑयल के लिए, जो कि मैंने रख दी है. इसको अभी क्लीन करना है, अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो इस वजह से मैंने भी कुछ कुछ चीजें छोड़ दी है. जैसे कि अभी मुझे ये वाला एरिया पूरा क्लीन करना है, वो वाला एरिया पूरा क्लीन करना, मैंने बता दिया है. उसका कवर मंगवाऊंगी तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा. और मुझे अभी फ्रिज पर मैं आपको नहीं दिखा सकती, बहुत सारी चीजें हैं उसको क्लीन करना है, बहुत ज्यादा चीजें वहां पर भरी हुई है, तो बहुत सारी चीजें रख गई हैं बहुत सारी चीजें, तो उसको भी क्लीन करना है. एक्चुअली मैं इसका और इसका दोनों का कवर मंगवाऊंगी, फिर आपको दिखाऊंगी. इसका कवर मंगवा लिया, बहुत अच्छा किया, ये बहुत ही अच्छे से सेफ है. और यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे एक स्टैंड रखा है, जो कि मैं जिसमें मैंने पूरे स्पून फोक वगैरह रख रखे हैं, बट मैंने एक अमेजोन पे एक स्टैंड भी देखा है, मैं उसे मंगवाऊंगी क्योंकि उसमें आपका फोक और स्पून दोनों अलग अलग. और ये मैंने एक छोटी सी बास्केट रखी हुई है जिसमें मैंने जो छोटी छोटी चीजें यूज की हुई होती है ना, जो थोड़ी सी बच जाती हैं, तो वो पाउचेस रखे हुए हैं रैप करके रबड़ बैंड लगाकर. और ये एक पिकल है छोटा सा जो सफर में मिलता है, तो वो यहाँ पे थोड़े से रबड़ बैंड है जो पाउच को बंद करने के लिए, ताकि वो लीक सी ले ना कोई भी चीजें, तो वो छोटी चीजें यहाँ पे रखी हुई है. और अच्छे से अभी मुझे ऑर्गेनाइज करना है, फ्रिज जब कर लूंगी तो आपको दिखाऊंगी बाकी सारी चीजें होगी. थोड़ा सा मैंने ये एरिया नीचे का भी थोड़ा सा मैंने ये जो है थोड़ा सा साफ कर दिया, क्लीन कर दिया है, बहुत ज्यादा नहीं, जितना हो पाया मैंने उतना ये क्लीन कर दिया अच्छे से. और बस, तो ये थी मेरी रसोई. आप बताइएगा कि क्लीन होके कैसा लग रहा है. और फिलहाल के लिए मैं अभी जाती हूँ, मुझे नहाना है, बहुत सारा मतलब बहुत कम टाइम बचा है, मनुष्का को लेने जाना, मुझे नहाना है, मुझे कपड़े वॉश करने हैं और नहाना है, फिर रेडी होना है, फिर मुझे जाना है. तो बस अभी मैं जाती हूँ और बस बाकी सारी चीज़ें आपके साथ बाद में शेयर करूंगी. ओके, सो दैट्स इट. ऊपर का भी थोड़ा दिखा देते हैं. सो ये है मेरी छोटी सी रसोई, बस मैंने आज अच्छे से क्लीन किया था इसलिए आपको दिखा दिया. चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में. ओके गाइस, मैं नहा ली हूँ, नहा के रेडी हो गई. अब मैं ये एक डेट्स खाने जा रही हूँ और बहुत टाइम हो गया है. एक मिनट, थोड़ा सा ना पेन हो रहा है यहाँ पे टीथ में, आई थिंक अब कल के दांत फिर से निकल रहे हैं. सो मुझे जाना है दूध लेने. सी यस, मैं दूध भी ले आती हूँ, नीचे एक डेयरी है हमारे गेट के जस्ट बाहर. एक मिनट, नीचे एक डेयरी है हमारे गेट के जस्ट बाहर, तो बस मैं दूध ले जा रहा हूँ. एक्चुअली कल रात में मैं दूध नहीं ला पाई थी, बिकॉज मैं डेली दूध लेने आती. एक दिन शायद मैंने आपको दिखाया था, कल रात में मैं मेडिसिन लेने चली गई थी. अच्छा, यही बात मैं आपको बताना चाहती थी पहले, मैं भूल गई थी बताना जब मैं अटक रही थी. ओके, इस टाइम मैं भूल गई थी, तो अभी मैं जा रही हूँ फटाक से दूध लेके आती हूँ. टाइम देखिए बहुत ज्यादा हो गया है, तो 11:15 हो गए हैं. मैं जल्दी से दूध लेके आती हूँ, नानी को देती हूँ, नानी बॉइल करेंगे, मैं जाऊँगी मनुष्का को लेने. ओके, तो चलिए चलते हैं. मैं दूध ले आई थी, उसके बाद लेट हो रहा था, तो मैं चली गई मनुष्का को लेने के लिए. यस, और मैं अभी आई हूँ मनुष्का को लेके, तो फिर दूध नानी को बोल दिया था, बॉयल हो गया है. सी देखिए, और बस मैंने खाया है हाफ, मुझे भूख लग रही थी तो मैंने खाया है हाफ बनाना, और मैं ये हाफ बचा हुआ है तो पर ये भी खाने जा रही हूँ, मुझे भूख लग रही है. उसके बाद तो डायरेक्ट मैं लंच करूँगी. ओके, तो ये आधा बनाना और है, इसको मैं खाने जा रही हूँ. ओके, फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना. बस चलिए खाते हैं. तो फटाफट से खाना बना लेते हैं, टाइम हो गया है 12:35. ओके, तो गाइस मैं बना रही हूँ पनीर की भुर्जी, दाल बन गई है, एंड ये भिंडी कल मैंने बनाई थी तो अम्मा को ले जाने के लिए, बट अम्मा कल नहीं गई, आज सुबह गई, तो बस वो वाली भिंडी कर दी कलौंजी. और ये आलू की थोड़ी सी भुर्जी, थोड़ी सी सुबह बनाई थी, थोड़ी सी कल की, गोल वाले जो कल के हैं, और छोटी वाली जो है वो आज सुबह बनाई थी मनुष्का के लिए. तो बस अब बनाते हैं, बनाती हूँ. पहले फैन धीमा कर सो गाइज, ये देखिए मोनिश्का ने क्या किया है, दिखाना जरा, ये देखिए ने वाह, बिंदी से मोनिश्का ने, बस ये थोड़ा सा अंगूठे वाला पता चल रहा है, अदरवाइज देखो, ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा है जैसे सच में मोनिश्का ने जो है कलरिंग, मतलब नेल आर्ट करा रखा है, नेल पॉलिश लगा ली. वाह, एक मिनट रुक जाओ. वाह, देखा इनकी करस्तानी, देखा इनकी खुरापात दिमाग, बिंदी से जो है इन्होंने पूरा नेल्स बना दिया. कितना क्यूट लग रहा है, बस थम में थोड़ा सा दिख रहा है, वरना कुछ भी पता नहीं चला. बताइएगा आपको पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है. देखिए, अगर ऐसे देखिए तो नहीं, दूर से नहीं पता चल रहा है.
कहाँ से आती है आपके अंदर इतनी खुरापात, लेकिन आप दिख नहीं रही हो, अंधेरा बहुत। चलो अब दिखोगी। कहाँ से आते हैं आपके दिमाग में इतने सारे खुरापात हैं मनुष्का? फ्रेंड से? ओह माय गॉड, आपकी फ्रेंड देखेगी तो क्या बोलेगी आपको? निकल गई, मेरे कपड़े में लग गई, फिर से लगा लो। चलो अब मैं आपको खाना बताओ, रोटी खाओगी? पास्ता वास्ता नहीं बेटा, रोटी। किसका कॉल आ रहा है? सो अब मैं करने जा रही हूँ लंच में लिए है मैंने पनीर की थोड़ी सी भुर्जी, भिंडी और आलू, तो तीनों ही चीज़ मैंने थोड़ा थोड़ा ले लिया है। साथ में थोड़ी सी दाल ली है, 75% दाल ली है, 1 चपाती ली है, मन करेगा तो थोड़े से राइस ले लूँगी, दैट्स इट। अब करते हैं अपना लंच, और यहाँ पे मोनिश्का भी दाल और रोटी खा रही है। सो बस, और ये थोड़ा सा राइस रखा हुआ है। सो मुझे हो रही थी स्वीट की क्रेविंग, तो मैंने खाई किट कैट शाम को, एंड उसके बाद मैं पीने जा रही हूँ चाय, मिल्क टी। ये देखिए मैं पी रही हूँ चाय, नानी भी पी रही हैं, बाबू भी बाहर है, और बस। और उसके बाद रात के खाने की तैयारी, आटा कर रही हूँ, सब्जी जो मैंने बनाई थी, बट आई थिंक मैंने शूट नहीं किया था, क्या था क्या नहीं मुझे नहीं याद है, मैंने शूट नहीं किया था। सो गाइस, यहाँ मैं पीने जा रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी, रात के बज गए हैं लगभग 10:30 से ज़्यादा हो गए हैं, 11:15 के लगभग हो गए हैं, और ये मैं पी रही हूँ ब्रू की कॉफ़ी, और ये मेरी फेवरेट कॉफ़ी है। और अभी मैंने 2-4 फ्लेवर और कॉफ़ी के देखे हैं। सो ये देखिए थोड़ा सा गिर गया है, बट मैं ये डालने जा रही हूँ, और बस ये कोल्ड कॉफ़ी चाहिए रेडी। सो मैं इसमें कुछ भी शुगर नहीं ऐड करूँगी, बस ऐसे ही पीऊँगी कॉफ़ी ऐड करके। सो गाइज, दैट इज व्लॉग, आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू, टेक केयर, बाय।